Today we will discuss about carbon, element carbon, carbon और इसके compound यानी यौगिकों की। सबसे पहले carbon का symbol हमें पता होना चाहिए C, that you already know, और इसका atomic number या परमाणु संख्या होती है 6, यानी इसमें protons हैं 6। अगर हम इसका nucleus बनाएं या नाभिक बनाएं, तो उसमें protons कितने हैं 6। और आपको पता है अगर प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे जो बाहर शेल्स में घूमते हैं, और शेल्स को हम नाम देते हैं K, L, M। K में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और L में आ जाएंगे, अगर 6 में से 2 चले गए हैं K में तो बाकी जो 4 हैं वो जाएंगे L में। यहाँ L में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बट L की जो कैपेसिटी है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, यानी अगर अभी यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ सकते हैं। और हर एलिमेंट ये ट्राई करता है, ये कोशिश करता है कि या तो वो अपना जो लास्ट शेल है उसे खाली कर दे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। इट मीन जब भी कार्बन किसी से कंबाइन करने की कोशिश करेगा, जब भी किसी से जुड़ेगा, तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले। बट दोनों ही सिचुएशन इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, किसी से लेना, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो क्या कार्बन किसी से जुड़े ही नहीं? लेकिन कार्बन जितना तो कोई भी और एलिमेंट नहीं जुड़ता, ये एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, सर्वोत्तमुखी, मतलब इसके जितने कंपाउंड हमें मिलते हैं ये वर्सेटाइल एलिमेंट है। जितने कंपाउंड्स हमें कार्बन के मिलते हैं उतने और किसी एलिमेंट के नहीं मिलते। अब कंपाउंड्स मिलने का मतलब है कि कार्बन जो है वो औरों से जुड़ रहा है, कार्बन और चीजों से जुड़ रहा है। अब चाहे वो ऑक्सीजन से जुड़े, चाहे हाइड्रोजन से जुड़े, चाहे क्लोरीन से जुड़े, जुड़ तो रहा है, लेकिन जुड़ने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ तो करना ही पड़ेगा, ना ये लूज कर पा रहा है ना गेन। तो ये कर क्या रहा है? ये शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि थोड़े अपने, जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक बुक है और एक बुक आपके पास है, और मैं तुम्हारे वाली बुक नहीं खरीद पा रही हूं, तो मैंने कहा तुम खरीद लो, कभी मैं तुमसे शेयर कर लूंगी, कभी तुम मेरे शेयर कर लेना, मेरी बुक ले लेना, तो मेरे वाली बुक मत खरीदो। इसी को कहते हैं साझेदारी, शेयरिंग, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, हम इसके कंपाउंड्स भी बनाने सीखेंगे। तो सबसे जो इसकी सर्वोत्तमुखी इसका रोल है या ये वर्सेटाइल है, उसके पीछे कारण ही यही है। सबसे पहला कारण कि इसकी संयोजकता चतुर है, चतुर संयोजकता, यानी कि 4 संयोजकता, या हम कह सकते हैं टेट्रावेलेंसी, क्योंकि टेट्रा का मतलब भी 4 है और चतुर का मतलब भी 4 है, और संयोजकता को हम वैलेंसी कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी। जब किसी से जुड़ता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरी बात है कैटिनेशन या श्रृंखलन, श्रृंखलन यानी कार्बन अपने जैसे और कार्बन्स के साथ मिलकर लंबी चेन्स बनाता है, और कभी जैसे 2 के साथ जुड़ा, बाकी तरफ ही हाइड्रोजन से जुड़ गया, कभी 3 के साथ जुड़ा, बाकी हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो 4, 5, 6 स्पेस में तो 60 कार्बन भी आपस में जुड़े हुए ऐसे कंपाउंड्स में मिले हैं जिसमें 60-60 कार्बन के एलिमेंट्स आपस, एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। जो हम सोप की बात करते हैं, साबुन की बात करते हैं, उसमें भी 17, 18 इस तरह के इतने इतने कार्बन की चेन है। तो ये चेन्स बनाता है, लंबी लंबी चेन्स, तो कितनी ही वैरायटी आ जाती है इसके कंपाउंड्स में। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन वर्सेटाइल है या सर्वोत्तमुखी है। पहला है चतुर संयोजकता और दूसरा है कैटिनेशन। तो अब हम, कैटिनेशन मीन्स लंबी लंबी चेन्स बनाना, चतुर संयोजकता या टेट्रावेलेंसी 4 वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, और जब किसी के साथ कंबाइन करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब ना लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो शेयरिंग कैसे करता है ये सीखते हैं कि शेयरिंग कैसे करनी है इलेक्ट्रॉन्स की इसने। अब सपोज करिए कि जैसे हमारे पास कार्बन का एक एटम है, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके शो करेंगे, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके सामने कहीं से भी घूमता घूमता ये हाइड्रोजन आ गया,
अब हाइड्रोजन के पास आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए शेयरिंग करने के लिए, चार। तो इसने कहा चलो, और इसे कितने चाहिए, इसका जो के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसे तो एक और चाहिए कि भी एक इलेक्ट्रॉन कोई मुझे दे दे, कभी इसे मिल जाता है। अब चांस की बात है, ये कार्बन के सामने आया, इसने कहा भाई मुझे ना एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर करवा दे, ये इस तरह से हम शेयरिंग दिखाएंगे। तो कार्बन ने कहा, हाइड्रोजन का काम तो बन गया, कार्बन ने कहा भाई मैंने एक इलेक्ट्रॉन तेरे को तो शेयर करा दिया, मेरे तीन का भी तो कोई जुगाड़ करो, मेरे तीन भी तो मुझे दिलवाओ। तो इसने क्या किया, अपने और भाइयों को बुला लिया, ये हाइड्रोजन भाई दूसरा भी आ गया ब्रदर इसका, एक ये वाला आ गया और एक ये आ गया, इन सबको भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब इनके दो दो पूरे हो गए, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, दो मिल गए इसको। और उधर से कार्बन के साथ क्या हुआ, चार तो इसके अपने थे और ये इस तरह से पूरे आठ हो गए इसके, चार तो ये रहे इसके अपने और चार ये चार हाइड्रोजनों से। तो ये बन गया आपका, अगर हम इस तरह के जो साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड होते हैं या आबंध होते हैं उन्हें हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और इस तरह के कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड या सहसंयोजी यौगिक। तो ये आपके सामने जो बना CH4, इसका सूत्र है, ये एक सहसंयोजी यौगिक है या कोवेलेंट कंपाउंड है। इन द सेम वे, अब कार्बन से अलग आपकी जैसे वर्कशीट में भी बात की गई है कि हाइड्रोजन की बात की है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप कभी स्टार कहीं डॉट किसी तरह से भी डिपिक्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन। अब दूसरा इसके सामने दूसरा ही हाइड्रोजन आ गया, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम आपस में ही साझेदारी कर ले। तो ये बन गया हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस का एक अणु बन गया। इन द सेम वे अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, अब ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर है वो 8 है। अब 8 का मतलब है K में 2 और L में 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने अब स्टार से दिखा दिए, अब दूसरा वाला भी ऑक्सीजन है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, लास्ट शेल में। अब इसे कितने चाहिए, इसे दो और चाहिए कि दो मुझे कोई और दे दे, कभी तो कोई दे देता है कभी नहीं देने वाला होता, तो ये आपस में भी शेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये इस तरह से ये आठ पूरे कर लिए इसने और इधर से इसने आठ पूरे कर लिए, तो कितने पेयर्स की आपस में शेयरिंग हुई, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ों की आपस में शेयर हुई, तो दो पेयर की शेयरिंग हुई। तो ये O2 मॉलिक्यूल एक O2 का अणु बन गया, ऑक्सीजन गैस का आप पढ़ते ही आ रहे हैं, O2 इसका फॉर्मूला होता है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड है, ओ डबल बॉन्ड, ओ डबल का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इस सिरे पे है, एक इधर, ऐसे ही ये एक इधर और एक इधर। तो इस प्रकार दो जोड़े इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग हो रही है। और यहां पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ एक ही पेयर शेयर हो रहा है और यहाँ पर दो पेयर शेयर हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अभी हम कुछ और कंपाउंड्स लेके और हम ले लेते हैं, हमने N2 नाइट्रोजन गैस का नाम सुना है, नाइट्रोजन गैस। अब इसमें आपस में ये भी शेयरिंग होती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो के शेल में 2 और एल शेल में 5, यानी यहां पर आपको इसके 5 इलेक्ट्रॉन शो करने, हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले शेल में होते हैं उन्हें शो करना होता है बॉन्डिंग दिखाते समय। अब इसके सामने भी दूसरा नाइट्रोजन का एटम है, परमाणु है, तो अब ये क्या करेगा कि इसके पास 5 है, इसे 3 और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कि मुझे कोई 3 दे दे तो मेरे 8 पूरे हो जाए, है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये 5 इधर से और ये 3 इधर से, ये इसने अपने आप पास शेयर कर लिए। ऐसा ही ये भी करेगा, दूसरा वाला एटम भी करेगा। अब यहां देखिए कितने पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हो गए, जिनको ये तो नॉन शेयर है, इनकी शेयरिंग नहीं हो रही है, शेयरिंग इनकी हो रही है, तो कितने पेयर शेयर हो रहे हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 जोड़े। तो हम इसको क्या दिखाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, त्रि आबंध या ट्रिपल बॉन्ड। तो H2 में सिंगल बॉन्ड था, O2 में डबल था और ये N2 में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से ये भी शेयरिंग का एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम लेंगे CO2 का। अब कार्बन का आपको पता है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हमने यहाँ दिखा दिए, 2 यहाँ दिखा दिए, इधर भी इसके पास ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन आ गया, कहीं से घूमते घूमते ये दूसरे के आमने सामने आते हैं और फिर आपस में बात करते हैं लेना है देना है या शेयरिंग करनी है। तो इसके पास हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, अब इसे कितनों की कमी है ऑक्सीजन को, 2 की, तो इसने यहां से शेयर कर लिए।
इस वाले ऑक्सीजन के भी हम 6 दिखाएंगे और इसको कितने की कमी है, 2 की, ये इसने ले लिए। अब कार्बन कह रहा भाई तुमने तो मेरे दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए, अपना काम तो कर लिया, मेरा भी मुझे भी तो चाहिए। तो ये कहते हैं ठीक है भाई ये 2 मैं तेरे को दे रहा हूँ ना, और इधर से ये कहता है 2 मैं तुझे दे रहा हूँ, तो ये आपके 8 इसके पास भी पूरे हो गए, ये 4 अपने 2 2 4 और ये 2 और 2 4 और हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह से CO2 और ये C इधर से भी डबल बॉन्ड ओ है और इधर से भी डबल बॉन्ड ओ है, क्योंकि दो दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स के आपस में शेयर हो रहे हैं। तो दिस इज हाउ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, सहसंयोजी आबंध बनते हैं, सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट कंपाउंड्स। आपको एग्जाम में किसी का भी आपको एग्जाम्पल आ सकता है, चाहे H2 का आए, चाहे O2 का आए, चाहे N2 का आए, चाहे CO2 का आए, चाहे CH4 का आए। यूजली CH4 काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो एक तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और दूसरा कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, सर्वोत्तमुखी क्यों है, इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो इतनी ज्यादा ऐसी क्यों है कि बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। तो उसके लिए पहला रीजन है चतुर संयोजकता, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होना, ना 4 दे सकता है लूज कर सकता है ना ले सकता है, सिर्फ शेयरिंग करेगा साझेदारी करेगा। और दूसरा था इसका श्रृंखलन, श्रृंखलन या कैटिनेशन, जिसमें ये कार्बन कार्बन से ही जुड़ जुड़ के लंबी लंबी चेन्स बनाता है। ठीक है, तो कार्बन के बारे में और जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए सहसंयोजी आबंध एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने, या कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बने हुए जो आबंध होते हैं उन्हें सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। अब इनके आगे गुणधर्म क्या हैं सहसंयोजी के, आयनिक यौगिकों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इनके बीच में जो अंतर आणविक बल है, मतलब कि जैसे कार्बन और कार्बन आपस में जुड़े तो इनके बीच में जो बल है ना वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से क्वथनांक और गलनांक इनके काफ़ी कम होते हैं। आयनिक यौगिकों से बिल्कुल उल्टा चलेगा। तो पहला हो गया कि इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, यानी इन्हें अगर ठोस से द्रव बनाना है, ठोस से द्रव बनाना है या द्रव से गैस बनाना है तो काफ़ी कम ऊर्जा, थोड़े से ही ऊष्मा देने पर ये पिघल जाएंगे या गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। दूसरी बात है कि इनमें एक्चुअली साझेदारी होती है, तो ना तो कोई प्लस का आवेश आया ना ही कोई घटा का आवेश आया, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बने ही नहीं, तो इसलिए इनमें आवेशित कण या चार्जेस नहीं होते। और तीसरी बात है अगर आवेशित कण ही नहीं है तो वो विद्युत के कुचालक होंगे, वो विद्युत का संचालन कैसे करेंगे, जब तक कोई आवेश वाला कण चलना शुरू नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, तब तक विद्युत है ही नहीं। विद्युत तो हम तभी कहते हैं जब कोई आवेश चलता है, गति करता है। अब इनमें आवेशित कण ही नहीं है तो क्या चलेगा, और विद्युत के इसलिए ये कुचालक होते हैं, आयनिक यौगिकों से बिल्कुल विपरीत। तो इस प्रकार सहसंयोजी आबंधों के बारे में हमने जाना, और अब आप इनके क्वेश्चन भी बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि कार्बन चतुर संयोजी क्यों है और ये सहसंयोजी यौगिक क्यों बनाता है, इनके 3 भौतिक गुण अभी हमने डिस्कस किए, विद्युत के कुचालक क्यों हैं क्योंकि आवेशित कण ही नहीं है, और दूसरी बात है ये जो आपके लास्ट में दिए हुए हैं इन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इस तरह से यहाँ शो भी की गई है आपकी वर्कशीट में, और मैंने आपको समझाई भी है कि किस तरह से हमें ये जल का अणु कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 ये कैसे बनेगा और मीथेन। तो किसी भी इस तरह से आप किसी भी यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे दिखा सकते हैं कि कौन कौन कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स के जोड़ों की आपस में साझेदारी कर रहा है। तो अगले वीडियो में हम अपने कार्बन के बारे में और आगे इसके यौगिकों के बारे में जानेंगे, और अभी तक सिर्फ सहसंयोजी आबंध और उनके गुणधर्म।